Hello friends, today we will discuss about the some structure of group 14, 15 elements और उनके compounds. ठीक है, जो IIT JEE में अक्सर ये entrance exam में पूछ लिया. First है आपका N2O laughing gas, जिसे आप nitrous oxide भी कहते हैं. तो इनके important points जो है वो हम discuss करेंगे. ठीक है, सबसे पहले भी देखिए, कोई भी compound होता है उसका loose dot structure क्या होता है. ठीक है, loose dot structure के बाद उसमें resonance भी होती है, hybridization भी होता है. तो ये सारी चीजें देख कर हमारे को उसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी बताना होता है. ठीक है, तो आपका जो है ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको कहीं भी कोई स्ट्रक्चर मिले तो आप उसके बारे में सही सोच सके. तो अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो आपका N2O बनता है. ठीक है, या हाइड्रोक्सिल एमीन की HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं आप नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये कंपाउंड आपका हाइड्रोक्सिल एमीन. और ये कलरलेस न्यूट्रल गैस होती है, तो इसमें से कोई सा भी स्ट्रक्चर नाइट्रोजन इसका देके जाए वो ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बना लेंगे. और इसमें भी आप हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसमें sp बैठेगा, इसमें भी sp बैठेगा, और इसकी शेप जो होती है वो आपकी लीनियर. ठीक है, तो इसमें इसकी बॉन्ड लेंथ 113 पिकोमीटर, इसकी बॉन्ड लेंथ 119 पिकोमीटर होती है. तो मैंने स्ट्रक्चर से आपको देखोगे तो क्वाइट एक्सप्लेन हो जाएगा कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर स्ट्रक्चर में नॉर्मली डबल बॉन्ड है. ठीक है ना, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक. सो अब जो है हम लोग नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड NO के बारे में डिस्कशन करेंगे. NO का मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्टेप मतलब अलग टाइप का होता है, क्योंकि इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 5, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 15 मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पैरामैग्नेटिक बनता है और मतलब स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल डिफिकल्ट सा है इसका. तो इसके कई सारे ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रखे हैं. तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के 3 इलेक्ट्रॉन आकर इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए. ठीक है, तो एक एक की शेयर में मतलब सीधा कोवेलेंट हो गया, और दूसरा जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 ऑक्सीजन के और 1 नाइट्रोजन. तो उस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, इस तरीके से भी लिख देते हैं और उस तरीके से भी लिख देते हैं. तो ये अल्टीमेटली लीनियर है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, पैरामैग्नेटिक इन गैसीय स्टेट है, डायमैग्नेटिक एंड लिक्विड स्टेट ड्यू टू डायमराइजेशन. तो कॉपर को आप HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका बन जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, प्लैटिनम के साथ भी अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं तो भी आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है, कलरलेस गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, और सॉलिड और लिक्विड स्टेट में ये NO ब्लू कलर का होता है. 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो ये आपका N2 और O2 बना देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो ब्राउन कलर की NO2 गैस. तो हम लोग NO2 पॉजिटिव के बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए, ये 3 तरीके की स्पीशीज होती है, NO2 पॉजिटिव, NO2 और NO2 नेगेटिव. ठीक है, तो इनके बारे में अक्सर कंफ्यूजन रहता है. ये आपका नाइट्रोनियम आयन है, ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, गैस है, और ये नाइट्रेट. ठीक है, तो सबसे पहले NO2 पॉजिटिव के बारे में डिस्कस करते हैं. तो NO2 पॉजिटिव में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, आप पर देखिए, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू क्या होगा, 1+2 V+N -C+A. वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5. मोनोवैलेंट एटम्स के पास 0 है, -1+0, तो आपका कितना आ गया, 2, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन है. ठीक है, आप हाइब्रिडाइजेशन यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप हाइब्रिडाइजेशन का पूरा लेक्चर देखिएगा. और इसकी शेप किस तरीके से होती है कि आपका ये आपका NO, ठीक है, इस पर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज. ठीक है ना, तो आप जो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन में से 1 तो चला गया, ये 4 आ गए, ये ऑक्सीजन के 6 आ गए. ठीक है, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है, सभी के 8 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसमें इसकी शेप जो होती है NO2 की पॉजिटिव की लीनियर होती है sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, और बॉन्ड एंगल 180.
का जो है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है ये भी एक थोड़ा सा अजीबोगरीब स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट करना किसी भी स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपका जो नाइट्रोजन है इसका मतलब पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 दो इसको दे दिए, 4 इसको दे दिए, तो यहाँ पर आगे 2 यहाँ गए और 1 और इलेक्ट्रॉन ले जाता है। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपका sp2 होता है, तो एंगल 120 होना चाहिए, लेकिन 120 की जगह वो एक्चुअल में 134 मिलता है। तो 134 का रीजन ये है कि आपका जो है बॉन्ड पेयर रिपल्शन फोर्स लगती है, ठीक है ना, और लोन पेयर भी है यहाँ पर, तो वो थोड़ी सी ज्यादा लग जाती है, जिसकी वजह से एंगल ये इंक्रीज होके 134 हो जाता है। और इसके रेजोनेंस हाइब्रिड है, जिसकी वजह से दोनों ही ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सेम होती है, जबकि स्ट्रक्चर में अलग अलग दिखाई दे रही है। तो आपका ये पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन ये कूलिंग करने पर N2O4 बना देता है और डाइमराइज हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका NO2 आपका ब्राउन कलर का होता है, ठीक है ना, और N2O4 कलरलेस होता है। ठीक है, तो इनके बीच में दोनों के इक्विलिब्रियम रहता है, कूल करने पर डाइमराइज होता है और हीटिंग पर ये आपका कलर आ जाता है इसका ब्राउन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसकी NO2 की प्रिपरेशन आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कर लेते हैं। NO2 प्लस कॉपर नाइट्रेट प्लस H2 बना देता है। लैड नाइट्रेट को भी हीट करने से आपका लैड ऑक्साइड और NO2 प्लस O2 गैस बन जाती है, और आपका जो है लिथियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट को भी हीट करने पर ये सेम रिएक्शन होती है, और ये एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है। कॉपर और वो कॉपर कार्बन और हैलोजन्स को ये ऑक्सीडाइज कर देता है, और लेकिन ये हायर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जैसे ओजोन के साथ ये हायर ऑक्साइड्स बना देता है। और ये जो रिएक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, IDGE में कई कई बार पूछी गई है कि किस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के बारे में ये सारे क्वेश्चन अब पूछे जा चुके हैं IDGE। तो अब जो है हम लोग नाइट्राइट आयन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, क्या फॉर्मूला होगा, H=1/2 V+M-C+A। तो आपका 1/2 कितने हो जाते हैं, 5 प्लस मोनोवेलेंट 0 है, माइनस 0 प्लस 1 तो कितना आगे 6/2 यानी कि 3 यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है, ठीक है ना। तो इसकी शेप जो है वो ट्राइगोनल प्लानर होती है, लेकिन एक वैलेंसी पे लोन पेयर आया होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड तो पार्टिसिपेट करते नहीं है, तो ये 3 है, और यहाँ पर जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। तो इसी वजह से ये 120 के एंगल को एक्चुअल में जो 120 का एंगल होना चाहिए था ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है ना, उसको कुछ कम कर देते हैं, वो 115 डिग्री का रहेगा। तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है ना। ठीक है, इन पर भी क्वेश्चंस। ये आपका N2O3 का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें एक नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और दूसरे नाइट्रोजन से एक ऑक्सीजन एटम, ठीक है। उनके डिफरेंट रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, तो इसका लूज डॉट डायग्राम वैसे जरूरत पड़े तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स एक बार बना लेने चाहिए, एग्जाम में बहुत काम आते हैं। सो N2O3 को बनाने का तरीका ये है कि आप NO और NO2 की रिएक्शन करा दीजिए, और आर्सेनिक ऑक्साइड की डाइल्यूट HNO3 के साथ और वाटर के साथ भी आप बना सकते हैं, और सॉलिड स्टेट में लिक्विड स्टेट में ब्लू कलर में होता है, और गैसीय स्टेट में ये NO और NO2 में डिकम्पोज हो जाता है, और ये एक्वस मीडियम में आपका एसिडिक होता है, क्योंकि आपका वाटर से रिएक्ट करके HNO2 बना देता है। तो ये आपका N2O4 का जो है स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जिसमें 2 ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है और 2 के साथ डबल बॉन्ड बनाती है, उसके डिफरेंट रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाए गए हैं। सो N2O4 को NO2 से कूलिंग करके भी बना सकते हैं, ठीक है ना, और इसकी प्रॉपर्टीज में जो है N2O4 वाटर से रिएक्ट करके नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड बनाता है, और N2O4 H2SO4 कंसेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करके NO पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव प्लस HNO3 बना देता है आपका।
N2O5, ठीक है ना, इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर को देखकर हमें अक्सर ऐसा लगता है कि भाई इसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, 5 होगी। नाइट्रोजन मैक्सिमम 5 वैलेंसी शो कर सकता है, लेकिन बिल्कुल गलत, ठीक है। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 वैलेंसी शो करता है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। नाइट्रोजन मैक्सिमम वैलेंसी 4, ठीक है। यहां पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक है। और सॉलिड स्टेट में N2O5 आपका NO2 पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव के लिए यूज होता है, इसलिए नाइट्रोनियम नाइट्रेट बोलते हैं। और बेंजीन की नाइट्रेशन में आप डायरेक्ट N2O5 को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखना। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, और एंटीमनी वगैरह जो है वो 5 वैलेंसी शो कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन आपका 5 वैलेंसी शो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। सो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप यहीं पे रोक के करें। इससे पहले मतलब इस क्वेश्चन का कुछ पार्ट तो इसी लेक्चर में हो जा रहा है, कुछ HNO3 वाले लेक्चर में हो जा रहा है, दोनों पार्ट को मिलाकर आप करने की कोशिश करें। IIT JEE का क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको रोक के मतलब दोनों लेक्चर को सुन के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है, वीडियो को यहीं पॉज करके। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, IIT 2008 में आया हुआ था। तो कॉपर डाइल्यूट HNO3 के साथ कॉपर नाइट्रेट प्लस NO बनाता है, कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, जिंक जो है डाइल्यूट के साथ नाइट्रस ऑक्साइड और कंसेंट्रेटेड के साथ NO2 गैस बनाता है, ठीक है ना। तो आप इन सब रिएक्शंस को याद रखिए, IIT JEE में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। सो ये आपका IIT में आया एक और क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ N2O4 और थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट और इंट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोक्सीमीन एंड नाइट्रस एसिड। तो वीडियो को यहीं स्टॉप करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। ये सब रिएक्शन अभी हम लोगों ने डिस्कस करी है इसी टॉपिक में, तो फिर देखिएगा इनका आंसर्स क्या है। सो इस क्वेश्चन के आंसर ए एंड डी हैं, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने से बनता है, ठीक है ना, ठीक है। और आपका N2O4 का तो डिस्प्रोपोर्शनेशन नाइट्रेट और उसमें होता है, और थर्मल डिकम्पोजिशन अमोनियम नाइट्राइट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनती है, और इन दोनों की रिएक्शन से भी आपका लास्ट हाइड्रोक्सिल अमीनो नाइट्रस एसिड से भी N2O बनता है, तो ये आपके प्रोडक्ट है। तो ये आपका IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि भाई N2O5 में कौन से आपके स्ट्रक्चर होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, मतलब ओनली आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट, और आपका ओनली कोवेलेंट है, कोवेलेंट एंड आयनिक, ठीक है ना, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर जानते हो N2O5 का, तो इसलिए इसका आंसर बी है, ठीक है, ठीक है। अभी बताया था आपको N2O5 का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके का होता है, कोऑर्डिनेट भी। ये आपका क्वेश्चन है, IIT में आया हुआ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर लगाइए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज कलर्ड गैस, तो इनमें बाकी सब कलरलेस होती है, सिर्फ NO2 ही ब्राउन कलर की होती है, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान होती है, यदि आती है तो फिर एक सेकेंड में सवाल कर लेता है इंसान। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द लिक्विड इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ 2 गैस एट -30°C। तो आपका क्या ऑप्शन है, जरा सोच के बताइए, जब पूरा लेक्चर आप देख चुके हो। तो इसमें आपका जो आंसर है वो बी है, ठीक है। ये आपका इक्विमोलर NO प्लस NO2 की एक मिक्सचर से बन जाता है N2O3 पर -30°C पर, ठीक है ना, और आगे डिकम्पोज भी जाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है।